जब दशरथ जी से शादी होती है कौशल्या माता की, है ना, कौशल्या माता की कहानी है ये कि अज जो है जो अपने भगवान राम के पूर्वज रहे हैं दशरथ के पिताजी का नाम अज हैं, और उनके द्वारा जब वो अपने जवान हो जाते हैं दशरथ जी, तब वो अपने गुरुओं को बोलते हैं कि इनके लिए शादी वादी करने के लिए एक सुंदर राजकुमारी देखा जाए जो हमारे कुल के अनुसार हो। तो फिर जो ऋषि मुनि हैं वो सब ढूंढते हैं, तो उनको सौभाग्य ये है कि उत्तर कौशल हमारा अयोध्या और उससे लगा हुआ दक्षिण कौशल हमारा छत्तीसगढ़। वहां से उनको जो है माता कौशल्या का जो मिल जाता है, और माता कौशल्या दक्षिण कौशल से होने के कारण कौशल्या बनती है जो राजकुमारी भानुमती है। ये इसका इतिहास है। जैसे सुमात्रा का होने के कारण सुमित्रा के नाम पड़ता है ना, और उसी प्रकार कैकेय देश का होने के कारण के कई नाम पड़ता है। वैसे एक छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है पुराने कि पहले सास ससुर भी बहुओं का नाम नहीं लेते थे। पहले वैसे कहा जाता है कि पतियों का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुओं का भी नाम सास ससुर नहीं लेते थे। जहां की बहू होती थी, जैसे पानी लाने के लिए बोलना है धमतरहीन पानी ला तो वो, रायपुरहीन पानी ला तो वो, ये इस प्रकार की परंपरा रही हमारी। ऐसे परंपराओं से घिरे हुए हमारे दक्षिण कौशल जब आगे आकर के भगवान राम के जब यहाँ के इतिहास को हम डाल रहे हैं, तब हमको लगता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा यहाँ छत्तीसगढ़ को मिली है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि वहां नक्शे के माध्यम से छत्तीसगढ़ में राम के दो विषय हो सकते हैं। एक तो माता कौशल्या के जन्म के कारण, ननिहाल होने के कारण भगवान राम बार बार आते रहे यहाँ बचपन में। दूसरी बार जब माता कैकेयी ने जब अपने दो वरदान के अंतर्गत उनको मतलब वनवास जाने के लिए कहे, तो उस वनवास के काल में अत्रि ऋषि के कहने में दक्षिणा पथ में सीतामढ़ी हर चौका से हुआ, तो उस समय जितने मैंने आश्रम बताए उन आश्रमों में भी वो जाते रहे हैं। और जहां जहां राक्षसों का यहाँ पे दक्षिण कौशल में दूसरी तीसरी बात यह भी थी, दंडकारण्य जो है रावण जो है बेजा कब्जा करके रखा था, और उसका एक ही सपना था कि अयोध्या की जो गद्दी है चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी, क्योंकि वहां के जितने राजा हुए भगवान राम के पूर्वज उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और वो चक्रवर्ती सम्राट बने, और उसकी भी इच्छा थी कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है। तो रावण की कल्पना थी कि मैं भी अयोध्या की गद्दी में बैठूं, और इसलिए वो लंका से इधर आगे बढ़ते हुए अपने सिपाही सलारों को बढ़ाते हुए दंडकारण को कब्जा करते हुए अयोध्या की तरफ जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार आप जानते हैं कि जहां देवताओं का युद्ध हुआ था उसमें दशरथ जी जब देवताओं की तरफ से आए थे, तो जिस माता कैकेयी जो उसके सारथी के रूप में उस युद्ध में भाग ली थी, छत्राणी थी, और वो जो है वो ये बात को अच्छी तरह समझती थी। घायल होने के बाद राजा दशरथ को वो ले गई बाहर, और तब उसके मन में ये आया कि अगर वाकई में फिर से यहाँ चक्रवर्ती सम्राट लोगों के राज्य होगा तो दंडकारण को बेजा कब्जा को हटाना जरूरी है, नहीं तो राक्षस हावी हो जाएंगे। इसलिए माता कैकेयी जो है दुर्भावना से नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि माता कैकेयी ने तो 14 साल इसलिए कि उस बेजा कब्जा जो था राक्षसों का उसको साफ करने के लिए वहां पे मतलब भगवान राम को और लक्ष्मण को भेजा गया था, और उसके कारण ही इस जो है राम राज्य की कल्पना जो करते हैं ना, राम राज्य तभी हुआ जब ये बेजा कब्जा साफ किए, राक्षसों का अंत हुआ। और इसके बाद बहुत सारे इसको स्थिति को देखते हुए अभी भगवान राम जो है उसको छत्तीसगढ़ के हिसाब से हमारा जो कल्पना है, इस कल्पना को आगे हम बढ़ाते जाएंगे आने वाले समय में। समय के भाव को देखते हुए मैं गहराई पे नहीं जा रहा पाऊं क्योंकि ज्यादा ये हो जाएगा, समय लग जाएगा, और इसलिए छत्तीसगढ़ में भगवान राम की जो स्थितियां हैं इन दोनों स्थितियों को हम लोगों ने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और ज्यादा विस्तृत में पढ़ने के लिए आप लोगों को मैंने पुस्तक इसीलिए पहले बंटवा दिया है ताकि आप लोग उसका फायदा निकाल सकें। मुझे आप लोगों ने बोलने का जो अवसर दिया और भगवान राम छत्तीसगढ़ का जो विषय है ये विषय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यही मेरी कल्पना है, और उस कल्पना में आप लोग भी सहयोग करेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। आप मन के सम्मान खातिर मैं कमलेश चतुर्वेदी जी, जय जोहार टिमला, सादर आमंत्रित करत हूँ। कमलेश चतुर्वेदी जी आवे अब आके श्री श्याम बैस जी ला प्रतीक चिन्ह दे के उखर सम्मान करें।
जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। छत्तीसगढ़ में श्री राम बहुत बढ़िया वक्तव्य। छत्तीसगढ़िया